हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET BEd पेपर कोड PGQP 01 का कटअप मार्क कितना रहेगा। एक्सपेक्टेड कटअप को यहाँ पर हम देखेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरी का बात करेंगे, जैसे कि UR, OBC, SC ST, EWS, सभी कैटेगरी का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे अनडिजर्व कैटेगरी के लिए कितना कटअप मार्क जाने का चांसेस रहेगा। फ्रेंड्स, पिछले साल के हिसाब से हम देखें तो इस बार जो कि आपका बहुत कम कटअप मार्क जाने का चांसेस रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका पेपर जो है बहुत कम स्कोर वाला पेपर था। जैसे कि आपका GK का क्वेश्चन बहुत सारे आ गया था, इससे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं कर पाए हैं, इसलिए जो कि बहुत कम ही मार्क्स आ रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोग भेज रहे हो। ठीक है, और भी इसका एक कारण हो सकता है कि इस बार जो कि आपका CUET में बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे कि ऐड हो गए हैं। पिछले साल जो कि 3 या 4 यूनिवर्सिटी था केवल CUET BEd का, इस बार जो कि 15 या 16 यूनिवर्सिटी जो कि है, इसका भी एक कारण है कि आपका कटअप मार्क कम जाने का चांसेस रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम अनडिजर्व कैटेगरी के लिए आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 55 अराउंड, ठीक है, 55 अराउंड यहाँ पर हम सोच सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोचना है कि 55 नहीं है तो आपका नहीं होगा, आप कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ये भी मैटर करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें जितना भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसके हिसाब से सभी का अलग अलग कटअप मार्क जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग कटअप मार्क जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो UR कैटेगरी के लिए यहाँ पर हम देखें तो 55 अराउंड यहाँ पर हम सोच सकते हैं, इससे जो है कम हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों 55 आपका नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये कटअप मार्क अलग अलग होता है। आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनका मार्क कितना है, उससे जो है डिपेंड करेगा। तो सभी यूनिवर्सिटी का कटअप मार्क अलग अलग रहेगा, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओवरऑल देख रहे हैं सब कुछ 55 अराउंड यहाँ पर आप सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे OBC कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 45 से 50 अराउंड आपका मार्क्स है तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलने का चांसेस रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जो कि आपका कम स्कोरिंग जो कि आपका पेपर रहा था, इसलिए जो कि इसका कटअप मार्क कम जाने का चांसेस रहेगा। 2019 का हम यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों जो है 40 मार्क्स जो कि 40 मार्क्स से भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया था जो कि स्पॉट राउंड में, पर दोस्तों उसमें जो कि आपका मार्क्स जो है ज़्यादा भी रहा था कुछ स्टूडेंट्स का, बट इस पर जो कि बहुत ही लो स्कोरिंग पेपर आपका रहा था। तो यहाँ पर हम देखें तो OBC का 45 से 50 मार्क्स अराउंड यहाँ पर आप सोच सकते हो ओवरऑल का। ठीक है, SC कैटेगरी का यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों आपका 40 मार्क्स तक आप सोच सकते हो इसमें। ठीक है, 40 से ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों ST कैटेगरी के लिए इससे रिलेट होगा सब कुछ, क्योंकि SC ST के लिए आपका सेम ही रहेगा, 35-40 अराउंड आप सोच सकते हो। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो EWS कैटेगरी के लिए जो कि आपका OBC से जो कि आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, 45 से 50 अराउंड यहाँ पर आप सोच सकते हो। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों ये अलग अलग सब कुछ रहेगा, जितना भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किए होंगे उससे जो है डिपेंड करेगा और उनका मार्क्स से डिपेंड करेगा। सो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपका रहता है, पहले अनडिजर्व कैटेगरी के लिए होता है, जितना भी सीट आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स रखे होंगे उनका जो है एडमिशन अनडिजर्व कैटेगरी में हो जाता है। अनडिजर्व कैटेगरी में जितना सीट होता है पहले फिलअप होता है, उसके बाद जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जितना भी आपका सीट होता है। ठीक है, तो आपका कैटेगरी में आपको मिलने का भी चांसेस रहता है बाद में। ठीक है,
सो दोस्तों आज का वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे कटअप से रिलेटेड। जो भी आपका क्वेरी था आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में आ चुका होगा, कुछ आपको आइडिया मिल चुका होगा कैसे जो है यहाँ पर आपका कटअप मार्क रहने वाला है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये आपका अलग अलग रहेगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी इस पर ऐड हुए हैं तो कटअप मार्क कम जाने का चांसेस रहेगा। ओके दोस्तों, सो आज का वीडियो में इतना ही था। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।